गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन थर्टी फाइव है जिसके डिस्क्रिप्शन बाद में हम अच्छे से करेंगे देन वी टॉक्ट अबाउट लखनऊ सेशन फैज़पुर सेशन की हमने बात की थी इलेक्शंस की हमने बात की थी नाइनटीन थर्टी सेवन में जो हुए थे फिर नाइन्टीन थर्टी नाइन में जो है सबने रेजिग्नेशन दे दी थी ठीक है क्योंकि इंडियन पार्टिसिपेशन वर्ल्ड वार सेकेंड में ब्रिटेन ने अपनी तरफ से ही मतलब इसकी घोषणा कर दी थी तो जिसके लिए नाइनटीन थर्टी नाइन में सब ने जो है मास रेजिग्नेशन जो है कांग्रेस मिनिस्ट्री ने दे दी थी देन वी टॉक्ड अबाउट हरिपुरा सेशन जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं देन वी टॉक्ड अबाउट तिरुपरी सेशन जिसको हम तिरुपरी क्राइसिस के नाम से भी जानते हैं जिसमें हमने सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे वो हमने देखे और डॉक्टर पताभी सीतारमैया जो है वो सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट जो है गांधी जी के कहने पे इलेक्शन लड़ते हैं प्रेजिडेंटशिप के और फाइनली सुभाष चंद्र बोस जी प्रेजिडेंट तो बनते हैं लेकिन बाद में रिजाइन दे देते हैं देन ही मेड हिज फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी वो अपनी बनाते हैं यूनाइटेड प्रोविंस में सुभाष चंद्र बोस जी ठीक है तो ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था देन वी टॉक अबाउट सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हमने बात की थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाता है 1939 थर्टी नाइन में और 45 फाइव में एंड होता है तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में नेशनलिस्ट हमारा रिस्पांस जो है वो कैसा रहा हमारी जो नेशनल मूवमेंट है या गांधी जी की या सुभाष चंद्र बोस की नेताजी इसकी नेहरू जी की क्या आइडियोलॉजी रही वर्ल्ड वार टू पे कि क्या पार्टिसिपेट करना चाहिए वर्ल्ड वार टू में या नहीं करना चाहिए था इंडियंस को तो वो सब डिस्कशन जो है चलती है ठीक है और उसके रहते जो है ऑगस्ट ऑफर आता है ठीक है तो बेसिकली क्या था कि जवाहरलाल नेहरू जी की ही बात से सहमति फिर कांग्रेस ने जताई और कांग्रेस जो है मतलब ये अल्टीमेटली रिजल्ट आया कि जो वर्ल्ड वॉर टू चल रही थी उसमें पार्टिसिपेशन तब करेंगे इंडियंस अगर ब्रिटिशर्स जो है वो इमीडिएट इंडिपेंडेंस जो है वो दे देते हैं इंडियंस को अगर अगर इमीडिएट इंडिपेंडेंस मिल जाती है तो वर्ल्ड वार टू में जो है पार्टिसिपेट करेंगे इंडियंस ठीक है ये डिसीजन हुआ था लेकिन जिसपे ब्रिटिशर्स जो हैं वो कोई इंटरेस्टेड नहीं थे दे वर नॉट इन अ मूड टू डिस्कस दिस तो फिर फाइनली लेकिन हुआ क्या कि आ, आ, मतलब ये रियलाइज हुआ ब्रिटिशर्स को कि पार्टिसिपेशन इंडियंस की, की चाहिए होगी उनको सेकेंड वर्ल्ड वार में हेल्प चाहिए होगी तो फिर इस वजह से आता है ऑगस्ट ऑफर ये हमने किया था है ना ऑगस्ट ऑफर आता है जिसको कि ऑब्वियसली ऑगस्ट ऑफर जो है इसको भी जो है कांग्रेस नहीं मानती है ठीक है इट इट वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय कांग्रेस बट इट वॉज एक्सेप्टेड बाय मुस्लिम लीग ठीक है ऑगस्ट ऑफर जो हमने डिस्कस किया था जिसमें कोई भी एस सच कोई बात नहीं होती इंडिपेंडेंस की इस वजह से ऑगस्ट ऑफर को नहीं मानते हैं ठीक है इंडियंस रिजेक्ट कर देते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजेक्ट कर देती है ठीक है फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस किया था कि दिस देन वी डिस्कस्ड दी यू कैन से डिमांड ऑफ पाकिस्तान ठीक है फिर हमने डिमांड फॉर पाकिस्तान डिस्कस किया था नाइनटीन फोर्टी दिस डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि डिमांड फॉर पाकिस्तान जो है ये मुस्लिम लीग जो कि नाइनटीन फोर्टी में ढाका सेशन में सॉरी नाइनटीन हंड्रेड सिक्स में मुस्लिम लीग जो है 1906 में ढाका सेशन में बनी थी ठीक है फिर मुस्लिम लीग में 1940 में मतलब मोहम्मद अली जिन्ना की प्रेजिडेंटशि में नाइनटीन फोर्टी लाहौर सेशन ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है तो लाहौर सेशन याद रखना लाहौर सेशन नाइनटीन का जो था लाहौर सेशन ऑफ नाइनटीन फोर्टी जिसमें कि जिन्ना ने जिन्ना ने टू नेशन थे या ने डिमांड फॉर सेपरेट आ, दिस होम लैंड फॉर इंडियन मुस्लिम्स पाकिस्तान की डिमांड की थी ठीक है ओके तो आज हम बात करेंगे 1940 ऑनवर्ड्स जो है वो क्या जो है क्रोनोलॉजी रही 1940 के बाद क्या क्या मेजर इवेंट्स हुए उनकी हम बात करेंगे तो सबसे पहला जो 1940 का आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज मार्च 1940 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता है रामगढ़ सेशन कौन सा सेशन होता है रामगढ़ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन मार्च नाइनटीन ठीक है प्रिजाइडेड बाई मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ठीक है तो इसके प्रेजिडेंट कौन थे इस सेशन के मौलाना अब्दुल कलाम आजाद वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ रामगढ़ सेशन ऑफ आई एन सी इन मार्च नाइनटीन फोर्टी एंड वाई द सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डिस्कस्ड क्योंकि ये जो सेशन था ना ये इंडिपेंडेंस से पहले का सेकेंड लास्ट सेशन था क्योंकि नाइनटीन फोर्टी के बाद डायरेक्ट जो सेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो नाइनटीन फोर्टी सिक्स में होता है हम देखें कि एनुअल सेशंस होते थे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के है ना एनुअली ही सेशन होते थे हर साल सेशन होता था इंडियन नेशनल कांग्रेस का बट 1940 के बाद कोई आ, मतलब सेशन नहीं हुआ ठीक है क्योंकि 42 में हम देखेंगे कि बहुत बड़ी मास मूवमेंट स्टार्ट हो गई फोर्टी में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो गई उसके बाद फिर काफ़ी जो लीडर्स हैं वो सारे कांग्रेस के जो मेन लीडर्स हैं वो सारे जेल चले गए लेटर विल सी तो एक मतलब कोई कांग्रेस का सेशन हो ही नहीं पाया तो आप कह सकते हैं कि 40 से लेके 46 तक 1940 से लेके 1946 तक जो प्रेसिडेंट रहे इंटरनेशनल कांग्रेस के वो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ही रहे ठीक है फिर 46 में जो है लास्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का बिफोर इंडिपेंडेंस वो 1946 का सेशन था जो मेरठ में हुआ था और जिसके प्रेसिडेंट थे आचार्य जे बी कृपलानी ठीक है तो जे बी कृपलानी जो है वो प्रेजिडेंट रहे मेरठ सेशन के जो कि लास्ट सेशन था विच हैपिट नाइनटीन फोर्टी तो नाइनटीन से पहले का जो सेशन है वो 1940 में हुआ था विच वॉज इन रामगढ़ और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इसके प्रेसिडेंट थे ये आप याद रखिएगा ठीक है ओके okay. तो ये इसकी इंपोर्टेंस इस सेशन की नेक्स्ट जो है दैट इज इंडिविजुअल सत्याग्रह ओके okay? इंडिविजुअल सत्याग्रह क्या है ये अक्टूबर 1940 से लेके जून 1941 तक चला इंडिविजुअल सत्याग्रह नाम से ही आप, पत, आपको पता चलेगा कि इंडिविजुअल मतलब जो इंडिविजुअल बेसिस पे होगा ये मास मूवमेंट नहीं था इट वाज नॉट नॉट अ मास मूवमेंट नाउ व्हाई दिस सॉर्ट ऑफ सत्याग्रह वो स्टार्टेड क्या हुआ था कि देखिए अगस्त ऑफर जो है वो रिजेक्ट हो गया था क्योंकि अगस्त ऑफर में बात की थी डोमेनियन स्टेटस देने की ऑगस्ट ऑफर में था ना कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि कहा कि भाई आपको हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे लेकिन वो उसका भी कोई मतलब कोई अथेंटिक कोई पता नहीं था कि सच में मिलेगा या नहीं मिलेगा और इस टाइम तक तो कांग्रेस इंटरनेशनल कांग्रेस बात कर रही थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की दैट्स वाईट रिजेक्टेड ऑगस्ट ऑफर अब जैसे ही ऑगस्ट ऑफर जो है रिजेक्ट हो जाता है तो uh, फिर क्या ये uh, क्या करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है एक स्ट्रिक्ट काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है और जो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्ब करने की कोशिश करती है फ्रीडम टू मेक एसोसिएशन प्रोटेस्ट्स को बैन कर देती है क्योंकि जैसे ही अगस्त ऑफर जो है ये आ, रिजेक्ट हो जाता है उसके बाद काफ़ी जो है प्रोटेस्ट वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं तो ब्रिटिश ब्रिटिशर्स क्या करते हैं इन सभी प्रोटेस्ट वगैरह को बैन कर देते हैं ठीक है ठीके? इन एसोसिएशन की फॉर्मेशन को बैन कर देते हैं टोटली तो गांधी जी क्या करते हैं वो क्या करते हैं वो कहते हैं कि भाई अब हम सत्याग्रह जो है वो लिमिटेड बेसिस पे करेंगे यानी कि इंडिविजुअल बेसिस पे करेंगे अब ऐसा गांधी जी क्यों करते हैं मास मूवमेंट को शुरू क्यों नहीं करते क्योंकि गांधी जी कहते हैं कि भाई ब्रिटिशर्स को इस टाइम पे ज्यादा ट्रबल क्रिएट नहीं करते ब्रिटिशर्स के लिए क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है दे आर ऑलरेडी इन द मिडल ऑफ द वॉर उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था है ना फोर्टी वन की बात करें तो वर्ल्ड वॉर टू जो है काफी uh, मतलब एग्रेसिवली इस टाइम पे वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था और गांधी जी को लगा कि ब्रिटिशर्स जो है वर्ल्ड वॉर टू में इन्वॉल्व हैं तो ब्रिटिश इस टाइम पे वीक हैं तो उनको तंग करना ठीक नहीं होगा तो इसलिए गांधी जी ने कहा कि भाई इंडिविजुअल पे हम इंडिविजुअल बेसिस पे जो है सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं ठीक है तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है एक मार्च जो है सत्याग्रह का वो स्टार्ट हुआ जिसको कहा गया दिल्ली चलो दिल्ली चलो जो है एक मतलब हम दिल्ली चलो अभी आगे भी पढ़ेंगे इंडियन नेशनल आर्मी जो जिसको आज़ाद हिंद फौज भी कहा गया भाई सुभाष चंद्र बोस ठीक है वो भी आगे मैं पढ़ाऊंगी आपको तो उसमें भी दिल्ली चलो का नारा हम कह सकते हैं स्लोगन जो है उसमें भी चला था और एक ये दिल्ली चलो यहाँ पर चला था इंडिविजुअल सत्याग्रह में ठीक है फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही जो हैं वो कौन थे दैट वाज विनोदा भावे सेकंड वाज जवाहरलाल नेहरू ठीक है ये जो मूवमेंट है इसलिए ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर पाया क्यों नहीं गेन पाया देखिए ऑब्वियसली क्योंकि ये मास मूवमेंट नहीं था इट वॉज नॉट अ मास मूवमेंट इंडिविजुअल बेसिस पे था तो कितने ही ज्यादा देर तक ये सस्टेन कर पाता इसीलिए इसने कोई ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन नहीं की थी ठीक है अब यहाँ पे देखो क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो डेस्परेटली चाहते थे अब की कोऑपरेशन जो है वो हो जाए वर्ल्ड वार टू में मतलब इंग्लिश सॉरी इंडिया की कोऑपरेशन जो है वर्ल्ड वार टू में इनको चाहिए थी क्योंकि uh, इस टाइम तक जो है काफी जापान uh, uh, जो है वो भी इन्वॉल्व हो गई थी जापान ने क्या किया था इन्वॉल्व तो थी खैर ऑलरेडी जापान ने क्या किया यूएस पे अटैक कर दिया था ठीक है अब यूएसए पहले इन्वॉल्व नहीं थी 41 तक तो फिर यूएसए भी इन्वॉल्व होगी 41-42 में वर्ल्ड टू में तो अब ये जो कंट्रीज थी जैसे यूएसए है ठीक है यूएसए थी या यूएसएसआर थी या चाइना थी ये जो कंट्रीज हैं ये प्रेशर क्रिएट कर रही थी किस पे ब्रिटेन पे ब्रिटिश पे ये ब्रिटेन पे ये प्रेशर डाल रही थी कि इंडिया इंडिया जो आपकी इतनी बड़ी कॉलोनी है इतनी पॉपुलेटेड इतनी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उस पॉपुलेशन को मोबिलाइज़ करो उस पॉपुलेशन को यूज़ करो वर्ल्ड वार टू में तो इन कंट्रीज से भी कहीं ना कहीं बहुत ही प्रेशर आ रहा था ब्रिटिश पे टू तो यूज़ इंडियंस इन वर्ल्ड वार टू ठीक है तो यहाँ पे जो है अब ये देखो यहाँ पे देखो देखा द फेस ऑफ एग्रेशन ऑफ इंपीरियल जापान क्योंकि जापान बहुत एग्रेसिव हो चुकी थी इस टाइम पे वर्ल्ड वार टू में ठीक है जापान बहुत ज़्यादा अटैक कर रही थी बहुत एग्रेसिव हो चुकी थी तो कहीं ना कहीं कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस वॉज मस्ट फॉर ब्रिटेन तो इस वजह से जो ब्रिटिश है वो डेस्परेटली चाहती थी कि वो इंडियंस को इन्वॉल्व करें वर्ल्ड वॉर टू में ओके तो यहाँ पे हम देखेंगे कि चलिए बेशक यहाँ पे ये मैंने सेंटेंस ऐसे लिखा है कि बेशक आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे बिटवीन नेहरू एंड गांधी बट गांधी ने इस टाइम पे नेहरू को अपना पॉलिटिकल सक्सेसर जो है वो डिक्लेयर किया था ही डिक्लेयर गांधी एज अ पॉलिटिकल सक्सेसर गांधी जो हैं वो डिक्लेयर करते हैं नेहरू को एज़ हिज पॉलिटिकल सक्सेसर ओके ऑल दो दे हैड सम हमने देखा था कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे इनमें ठीक है ओके नेक्स्ट इज क्रिप्स क्रिप्स मिशन ऑफ 1942 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब क्रिप्स मिशन क्या था देखिए याद रखिएगा एक ऑगस्ट तो ऑफर जो हमने किया था ठीक है ऑगस्ट ऑफर जो हमने 1940 में किया था 8 अगस्त 1940 को ऑगस्ट ऑफर दिया गया था ठीक है एक हमने वो देखा कि जहां पे एक ऑफर देने की कोशिश की गई इंडियंस को इंटरनेशनल कांग्रेस को ठीक है जो भी और इंपॉर्टेंट जो पोलिटिकल पार्टीज थी इंडिया की टू पार्टिस फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन वर्ल्ड वॉर टू एंड अनदर अटेम्प्ट वॉज क्रिप्स मिशन ठीक है क्रिप्स मिशन ऑफ नाइनटीन अब क्रिप्स मिशन जो है ये हेड किया था स्टैंड क्रिप्स ने ओके एंड क्रिप्स स्टैंड क्रिप्स वॉज सेंट टू इंडिया ठीक है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल लेके आए ताकि इंडियंस का सपोर्ट मिल पाए वॉर के लिए ठीक है और ये किसको प्रपोजल देना था इंडियन नेशनल कांग्रेस को देना था जो सबसे बड़ी पार्टी थी इंडियंस के बिहाफ पे जो बात करती थी दैट वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस थी कि इनको सपोर्ट में लेना था ताकि ये वॉर में पार्टिसिपेट करें ओके तो इसमें क्या था देखिए अब ये देखो यहाँ पे ये मैंने लिखा हुआ है कि क्योंकि प्रेशर था ब्रिटेन को अपनी अलायस ग्रुप से जैसे यूएसए से यूएसएसआर से चाइना से टू सीक इंडियन कोऑपरेशन ठीक है तो इस वजह से जो इंडियन देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ कि इंडियन नेशनलिस्ट जो भी थे उन्होंने कहा कि भई हम आपको सपोर्ट करेंगे उन्होंने पहले भी यही कहा था अगस्त ऑफर में भी उनका यही कहना था कि हम आपको सपोर्ट करेंगे अगर आप इनके सब्सटेंशियल पावर देते हो और कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है वो हमें दे दोगे आफ्टर दॉर ना वेन इफ यूल गिवस कंप्लीट इंडिपेंडेंस वी विल सपोर्ट यू इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ठीक है ऐसा हुआ अब इसमें क्रिप्स मिशन में मेन प्रोपोजल्स क्या थे ना वॉट आर दिन प्रपोजल्स ऑफ क्रिप्स मिशन एक तो ये कहा गया जैसे कि बड़े सारे प्रपोजल्स थे जैसे कि ये प्रपोजल दिया गया कि जो इंडियन यूनियन है उनको उसको क्या दे दिया जाएगा डोमनियन स्टेटस दे दिया जाएगा पहले तो यह बोला गया ठीक है डोमेनियन स्टेटस दे दिया जाएगा और ये फ्री होगी अपने रिलेशंस को डिसाइड करने के लिए कि उनका कॉमनवेल्थ के साथ कैसा रिलेशन हो जो भी कॉमनवेल्थ नेशंस हैं उनके साथ कैसा उनका मतलब रिलेशन uh, हो ये इंडिया फ्री होगी डिसाइड करने के लिए और यूनाइटेड नेशंस में पार्टिसिपेट करेगी नहीं करेगी मतलब जो आप कह सकते हो कि इंडिया का इंडिया वॉज फ्री टू डिसाइड इट्स रिलेशन विद अदर कंट्रीज बेसिकली ठीक है इसमें यह कहा गया ओके okay? और उन्होंने ये भी कहा कि वर्ल्ड वॉर के बाद एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है वो बनाई जाएगी जो कि नया कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनाएगी ठीक है ये कहा गया अब ये ये पॉइंट भी कहा गया कि जो डिफेंस ऑफ इंडिया है ना डिफेंस जो है वो ब्रिटिश के हैंड्स में ही रहेगी और गवर्नर जनरल का जो ऑफिस है वो भी वैसा ही रहेगा गवर्नर जनरल की जो पावर है या जो ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल है वो इंटैक्ट रहेगा वैसा ही रहेगा ठीक है अब क्रिप्स मिशन जो है इट ऑब्वियसली इट फेल्ड क्योंकि डोमे पहली बात तो ये है कि डोमेनियन स्टेटस तो चाहते ही नहीं थे अब हम अब बात कर रहे थे अब बात हो रही थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की तो भाई डोमेनियन स्टेटस की बात कहां से आ गई ठीक है बात हो रही थी कम्प्लीट इंडिपेंडेंस की ठीक है और डिफेंस ऑफ इंडिया वुड इन ब्रिटिश हैंड्स तो ऐसा तो मतलब जब कम्पलीट इंडिपेंडेंस की बात हो रही है तो डिफेंस भी तो इंडियंस खुद संभालेंगे तो ब्रिटिशर्स के हैंड में डिफेंस ऐसा तो कुछ कोई प्रोविजन इंडियन नेशनल कांग्रेस अब तो नहीं चाहती थी ठीक है तो अब ये uh, क्रिप्स मिशन जो है ये इसने पूरी तरीके से फेल कर दिया सबको ठीक है मतलब इंडियन नेशनलिस्ट को ओके इट फेल्स टू फेल टू सेटिस्फाई इंडियन नेशनल्स बेसिकली ठीक है और इन, उनको ये लगा कि ये मेयरली ब्रिटिशर्स का एक प्रोपोगंडा है ठीक है और कुछ नहीं है तो कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि कांग्रेस जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रही थी तो डोमिनियन स्टेटस तो अब इनको मंजूर था नहीं ठीक है मुस्लिम लीग ने भी आइडिया क्रिटिसाइज किया क्योंकि एक आइडिया ये भी था कि सिंगल इंडियन यूनियन इस टाइम पर सिंगल इंडियन यूनियन को प्रपोज किया गया था जिसको मुस्लिम लीग ने सप, जो है टोटली totally रिजेक्ट किया क्योंकि मुस्लिम लीग नाइन में लाहौर सेशन में ऑलरेडी मतलब क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान डिमांड फॉर पाकिस्तान की बात कर चुकी थी तो यहां पे जो है मुस्लिम लीग को भी यही लगा कि आ, ये सिंगल इंडियन यूनियन का आइडिया जो है वो सही नहीं है ठीक है ओके okay. तो और जो लिबरल पार्टी थी जो हिंदू महासभा पार्टी थी उन्होंने भी इसको क्रिटिसाइज किया तो बेसिकली क्रिप्स मिशन जो है वो फेलियर था अगस्त ऑफर की तरह अगस्त ऑफर वाज आल्सो फेलियर क्रिप्स मिशन वाज आल्सो फेलियर बट हाँ क्रिप्स मिशन में थोड़े ज्यादा प्रोविजन दिए गए दैन ऑगस्ट ऑफर ओके okay. क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने कहा था इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक इन अ क्रैशिंग बैंक ठीक है ये कहा था गांधी जी ने किसको क्रिप्स मिशन को कहा इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक इन अ क्रैशिंग बैंक ठीक है ओके नेक्स्ट अब क्योंकि क्रिप्स मिशन जो है वो फेल हो चुका था तो 42 में फिर ऑब्वियसली एक मूवमेंट जो है वो बनता था यहाँ पे तो एक मूवमेंट जो है बहुत बड़ा मूवमेंट हम कह सकते हैं वेरी बिग एंड मूवमेंट दैट है क्विट इंडिया मूवमेंट इसको रिवॉल्ट ऑफ 1942 फोर्टी टू भी कहा जाता है रिवॉल्ट ऑफ नाइनटीन और क्विट इंडिया मूवमेंट हम इसको कहते हैं नाइनटीन ठीक है क्विट इंडिया मतलब भारत छोड़ो अंग्रेजों भारत छोड़ो ठीक है ये मूवमेंट था ये ओके okay. नाउ इन क्विट इंडिया what हैपन देखिए पहले तो बात यही है कि, कि क्रिप्स मिशन जो है वो फेल हो चुका था तो गांधी जी ने क्या किया एक रेजोल्यूशन लिया आप कह सकते हो एक रेजोल्यूशन लिया जिसमें गांधी जी गांधी जी ने कहा कि अब गांधी जी भी अब कह सकते हो कि इरिटेट हो चुके थे या फ्रस्टेट हो चुके थे ठीक है तो गांधी जी ने भी कहा कि भाई अब तो रेजोल्यूशन ले लिया है कि ब्रिटिश की विड्रॉल की जाए ब्रिटिशर्स की विड्रॉल की जाए ब्रिटिशर्स अब यहाँ से चले ही जाएँ तो ठीक है तो उन्होंने कहा उन्होंने कॉल दी एक नॉन वायलेंट मूवमेंट की ठीक है तो जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी उनकी मीटिंग होती है वार्धा में इज इन महाराष्ट्र ठीक है जुलाई को एक मीटिंग होती है जहां पे ये डिसाइड किया जाता है कि आइडिया फॉर स्ट्रगल मतलब कि स्ट्रगल का एक आइडिया जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है उसके बाद 9 अगस्त को मीटिंग जो है वो होती है बेसिकली 8 एट टू 9 अगस्त में ये मीटिंग होती है ठीक है जहां पे मीटिंग कहां पे होती है ग्वालियर टैंक जगह है बॉम्बे में ठीक है ग्वालियर टैंक जगह है बॉम्बे में जहां पे मीटिंग होती है एट से नाइन अगस्त के के बीच में ठीक है एट टू नाइन अगस्त 1942 जहां पे ये रेजोल्यूशन uh, जो है क्विट इंडिया मूवमेंट का रेजोल्यूशन जो है ऑफिशियली लॉन्च होता है यानी आप कह सकते तो हो कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ऑफिशियली स्टार्टेड इन एट टू एट अगस्त ऑलमोस्ट एट एट टू नाइन ऑगस्ट नाइनटीन फोर्टी ठीक है ये जो मीटिंग है कहाँ हुई थी ग्वालियर टैंक बॉम्बे में हुई थी क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन यहाँ पे पास किया गया और लॉन्च भी कर दिया गया ठीक है तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट की ये एक पिक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं ये महात्मा गांधी हैं ठीक है ठीके? गांधी जी हैं और ये भीड़ जो उमड़ी है क्विट इंडिया मूवमेंट के सपोर्ट के लिए ठीक है तो हम ये देख सकते हैं एट ऑगस्ट को ओके अब यहाँ पे गांधी जी ने मंत्र दिया डू और डाई का वेरी इंपॉर्टेंट इस तरीके से भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि डू और डाई स्लोगन जो है मंत्र जो है किसने स्टार्ट किया था तो एक महात्मा गांधी जी ने जो है डू और डाई यहाँ पे करो या मरो ठीक है ये नारा जो है इन्होंने यहाँ पे दिया उन्होंने कहा कि या तो हम इंडिया को फ्री करवा देंगे या तो फिर इस अटेम्प्ट में इंडिया को फ्री कराने की अटेम्प्ट में हम या तो अपनी जान दे देंगे ओके okay? तो गांधी जी ने क्या किया एक टेम्पो जो है मूवमेंट का मासिस में बनाना स्टार्ट किया ऑलरेडी एक्चुअली द टेम्पो वाज बिल्ट मासज अब मासिस को पता था अब लोगों को पता था कि स्ट्रगल कैसे करनी है नाउ पीपल न्यू ठीक है तो अब यहाँ पे भी देखिए जो गवर्नमेंट जो है अब किसी मूड में नहीं थी नेगोशिएट करने के मूड में नहीं थी तो जैसे ही ये मूवमेंट लॉन्च हुआ बेसिकली ठीक है जैसे ही ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था ना वैसे ही सभी लीडर्स को प्रोमिनेंट लीडर्स को इंक्लूडिंग गांधी जी वर अरेस्टेड तो आप देखते हो इमीडिएटली आठ से मतलब नौ से दस अगस्त को जैसे ही मूवमेंट स्टार्ट होता है वैसे ही ऑल टॉप लीडर्स वर अरेस्टेड ठीक है और कहीं अननोन डेस्टिनेशन में इन लीडर्स को जो है ले जाया गया मेनी ऑफ द टॉप लीडर्स इंक्लूडिंग गांधी जी वर अरेस्टेड ठीक है गांधी जी को कहां रखा गया आगा खान पैलेस में पुणे में पुणे में आगा खान पैलेस है वहां पे गांधी जी को नजरबंद आप कह सकते हो वहां रखा गया ठीक है तो ये जो अरेस्ट हुई ना जितनी भी टॉप लीडर्स के अरेस्ट हुई तो लोग जो है इस चीज़ पे भड़क गए ठीक है तो काफी जो मूवमेंट है ये स्पॉन्टेनियस काफी मूवमेंट जो है वायलेंट भी होने लगी गवर्नमेंट ऑफिस को जला दिया गया डिस्ट्रॉय कर दिया गया टेलीग्राफ लाइन्स यानी कम्युनिकेशन को पूरे तरीके से कट कर दिया गया कम्युनिकेशन वॉज पैरालाइज ठीक है और काफी अंडरग्राउंड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स जो हैं वो भी स्टार्ट हो गई थी इस टाइम पे ठीक है तो ट्रेंड ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म एक्चुअली स्टार्टेड ओके Now see, अब इस मूवमेंट में एक्चुअली मुस्लिम लीग ने हिंदू महासभा ने कम्युनिस्ट पार्टीज जैसी पार्टीज ने पार्टिसिपेट नहीं किया था क्विट इंडिया मूवमेंट में ओके ऑल राइट और कुछ मेन लीडर्स जो हैं इस रिवॉल्ट के वो थे अब देखिए यहाँ पे जो है हमें थोड़े नए लीडर्स दिखेंगे 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट है इसमें हमें थोड़ी कुछ हमें यंग लीडर्स नए लीडर्स जो है वो उभरते हुए दिखेंगे रेवोल्यूशनरी आइडियाज वाले नए लीडर्स जो है वो हमें दिखेंगे ठीक है जैसे अरुणा आसिफ अली राम मनोहर लोहिया उषा मेहता बीजू पटनायक ठीक है सुधेता कृपलानी जयप्रकाश जै नारायण जैसे काफी नए रेवोल्यूशनरीज यंग रेवोल्यूशनरीज हमें दिखेंगे उषा मेहता जी जो हैं, इन्होंने क्या किया था इन्होंने एक अंडरग्राउंड रेडियो जो है बॉम्बे में स्टार्ट किया था ओके नाउ वॉट हैपन इन फेब्रवरी 1943 कि गांधी जो जी जो हैं उन्होंने क्या किया अब क्या हुआ था कि काफ़ी वॉयलेंस जो है ये वो स्टार्ट हो गया था और जब लोग वायलेंस जो है थोड़ी बहुत कर रहे हैं तो आपको पता ही है कि जो स्टेट है या जो गवर्नमेंट है उसके पास तो और ज़्यादा पावर है वॉयलेंस करने की ठीक है उनको भीड़ को भगाने की या एक्स्ट्रॉशन करने की तो क्या हुआ था कि काफ़ी वॉयलेंस जो है फ्रॉम द स्टेट साइड यानी फ्रॉम ब्रिटिशर्स साइड भी हो रहा था काफ़ी लोगों को मारा जा रहा था पीटा जा रहा था जो जो मूवमेंट के जो प्रोटेस्टर्स थे उनको ठीक है तो गांधी जी ने क्या किया था फेब्रवरी 1943 में अभी जेल में ही थे ठीक है 42 में मतलब जेल हो गई थी जैसे ही मूवमेंट स्टार्ट हुआ 9 अगस्त ऑनवर्ड्स ठीक है तो सबको जेल में डाल दिया गया तो गांधी जी ने जो है इसके विरोध में एक फास्ट किया ठीक है देन इन मार्च 1943 ठीक है फैब की ये बात है तो फिर मार्च में क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग ने जो क्या है इन बिटवीन मुस्लिम लीग ने क्या किया पाकिस्तान डे जो है वो ऑब्जर्व किया ठीक है और अगेन सेपरेट सेपरेट नेशन फॉर इंडियन मुस्लिम्स की बात की मार्च ट्वेंटी थर्ड नाइनटीन फोर्टी थ्री में ओके पाकिस्तान डे जो है वो मनाया था ठीक है मुस्लिम्स ने इंडियन मुस्लिम्स ने ओके okay? देन इन बाय 1944 देखिए 1944 तक आते हुए खैर इन बिटवीन हम अभी आगे और इवेंट्स पढ़ेंगे ओके okay? बट 1944 तक आते आते क्या हुआ था कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट है ये थोड़ी सी हमें लगेगा कि मतलब ठंडी पड़ गई या फेड अवे हो गई क्योंकि मैक्सिमम जो हैं लीडर्स वर अरेस्टेड ओके और इतनी ज़्यादा वायलेंस जो है बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा वायलेंस जो है ब्रिटिश ब्रिटिश फोर्सेस कर रहे थे मासेस के ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों को मारा जा रहा था पीटा जा रहा था जेल में बंद कर दिया जा रहा था हालत खराब कर दी थी कि जो मूवमेंट है ये एट द मूवमेंट वॉज क्रश्ड ओके मूवमेंट जो है इसको हम सक्सेसफुल तो नहीं बोलेंगे क्योंकि सक्सेसफुल तो हम तभी बोलेंगे अगर इसका कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट आता है इंडियन क्योंकि इस टाइम पे इंडिपेंडेंस की बात कर रहे थे अगर इसी के बाद इमीडिएटली इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हो जाती 44 के आते आते तो तभी हम इसको सक्सेसफुल बोलते दो मूवमेंट वॉज नॉट सक्सेसफुल बट इट दिस मूमेंट इंडीड हैड अ ग्रेट इंपैक्ट क्योंकि ये बहुत बड़ी जबरदस्त बहुत बिग बड़ी, बड़ी मास मूवमेंट थी ठीक है ओके आफ्टर दैट हम बात करेंगे इंडियन नेशनल आर्मी की ठीक है आई की ओके नाउ इंटरनेशनल नेशनल आर्मी की अगर मैं बात करूँ एक सेपरेट मतलब इंटरनेशनल नेशनल आर्मी जो है ये uh, एक सेपरेट आप कह सकते हो एक टॉपिक है या फिर एक सेपरेट हम uh, इसमें स्टडी करते हैं क्या है इंटरनेशनल नेशनल आर्मी की अगर मैं बात करूँ तो देखिए Uh, क्या हुआ था कि आ, वै, आ, वैसे तो मतलब इंडियन नेशनल आर्मी जो है हम सुभाष चंद्र बोस जी के साथ काफ़ी ज़्यादा इसको एसोसिएट करते हैं ठीक है पर चलिए सुभाष चंद्र बोस पे वी, वी, वी विल कम लेटर क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी ने इंडियन नेशनल आर्मी थोड़ी बाद में जब ये इंडियन नेशनल आर्मी बन जाती है उसके एक दो साल बाद इंडियन नेशनल आर्मी को वो ज्वाइन करते हैं बट उससे पहले की जो हिस्ट्री है थोड़ा वो देख लेते हैं इंडियन नेशनल आर्मी की ठीक है तो क्या हुआ था बेसिकली कि जो आइडिया है इंडियन नेशनल आर्मी का ये सबसे पहले कंसीव किया था रास बिहारी बोस जी ने ठीक है रास बिहारी बोस जी बेसिकली जापान चले गए थे 1915 के बाद इनके ऊपर बेसिकली केस चल रहा था नाइनटीन 19, फिफ्टीन से पहले तो 1950 में ये जापान चले गए थे ठीक है और जापान में ही रहने लगे ओके तो इन्होंने यहाँ पे रास बिहारी बोस जो है ना ये इन्होंने क्या किया था यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक तरीके की पार्टी बनाई थी जापान में कहाँ बनाई थी जापान में जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग क्या नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ठीक है तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एक तरीके की एक पार्टी थी जो इन्होंने जापान में बनाई थी रास बिहारी बोस जी ने ठीक है उसके बाद क्या हुआ रास बिहारी बोस एंड मोहन सिंह ना हु इज दिस मोहन सिंह मोहन सिंह जो है ये एक इंडियन ब्रिटिश ऑफिसर थे ठीक है ब्रिटिश मतलब इंडिया इंडियन थे ये लेकिन ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे मलाई में ठीक है ओके okay, तो ये मलेशिया में ये ये बेसिकली तो यहां पे इन्होंने क्या किया रास बिहारी बोस जी ने और मोहन सिंह जी ने दोनों ने मिलकर आप कह सकते हो बनाई इंडियन नेशनल आर्मी ओके okay? जिसमें रास बिहारी बोस जो है आप कह सकते हो कि ये पॉलिटिकल स्फेयर संभाल रहे थे और मोहन सिंह जो है बेसिकली मिलिट्री या डिफेंस आप कह सकते हो मिलिट्री या जो आर्मी को जो लीड कर रहे थे वो थे मोहन सिंह अब इन्होंने क्या किया देखिए जापान के साथ जो है वर्ल्ड वॉर टू में जापान वॉज एक्टिवली इन्वॉल्व ठीक है तो जापान ने क्या किया था जब जापान ने साउथ ईस्ट एशिया में बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया के जितनी भी कंट्रीज़ पे जब जापान ने अटैक किया जैसे जापान ने क्या किया था सिंगापुर जो है सिंगापुर जीत लिया था जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ठीक है तो सिंगापुर जीत लिया था ओके okay, तो जब तो अब काफ़ी जो इंडियंस हैं वो ब्रिटिश ब्रिटिश की तरफ से इंडियंस जो है वो लड़ रहे थे चाहते या ना या ना चाहते हुए भी जो इंडियंस हैं वो इन्वॉल्व कर रहा था ब्रिटिशर्स इंडियन सोल्जर्स जो कि रिक्रूटेड थे ब्रिटिश आर्मी में वो लड़ रहे थे है ना ब्रिटिशर्स की तरफ से तो जापान ने क्या किया था काफ़ी सारे प्रिजनर ऑफ वॉर बना दिए थे काफ़ी बंदी बना गुण गुण लिए थे इंडियंस है ना बनाए थे ना प्रिजनर ऑफ वॉर होते हैं जब वॉर होती है तो काफी प्रिजनर ऑफ द वॉर बनते हैं तो प्रिजनर ऑफ द वॉर थे जो इंडियंस थे ठीक है इंडियंस प्रिजनर ऑफ वॉर थे वर्ल्ड वॉर टू में जापान के पास ठीक है तो अब क्या हुआ था ये मोहन सिंह जी ने रास बिहारी बोस ने और मोहन सिंह ने ये जो प्रिजनर ऑफ वॉर थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो जापान ने पकड़े हुए थे इंडियंस प्रिजनर ऑफ वॉर सिंगापुर में या और साउथ ईस्ट एशिया में क्योंकि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज काफ़ी ज़्यादा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज कैप्चर कर चुकी थी जापान इनफैक्ट बहुत सी जगहें जो है साउथ ईस्ट एशियन जो जगहें हैं इंक्लूडिंग सिंगापुर ये सारी जो है जापान के अंदर आ चुकी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ठीक है तो ये प्रेजिडेंट ऑफ द वॉर जो इन्होंने पकड़े थे इनसे आर्मी बनाई बिहारी बोस ने और मोहन सिंह ने मेन एंट्रीब्यूशन आई एल गिव टू मोहन सिंह जी ठीक है तो मोहन सिंह ने क्योंकि आर्मी या मिलिट्री जो है कमान संभाली हुई थी तो मोहन सिंह ने क्या किया कि इन सभी प्रेजिडेंट ऑफ द वॉर को लेके जो है आर्मी बनाई जिसका नाम बना इंडियन नेशनल आर्मी आई एन ए ठीक है इंडियन नेशनल आर्मी ओके समझ आ गई अब ये जो इंडियन नेशनल आर्मी आप कह सकते हो कि 41 42 के लगभग इस इस टाइम पीरियड में जो है इंडियन नेशनल आर्मी जो है बनी थी ओके, बट लेटर ऑन सी लेटर कि ये जापानीज के साथ थोड़ा सा मनमो, थोड़ा सा मोहन सिंह का थोड़ा सा आप कह सकते हो रिफ्ट आ जाती है जैपनीज, जैपनीज के बीच में जापान के बीच में और मोहन सिंह जी के बीच में तो मोहन सिंह जी जो है फाइनली इंडियन आर्मी छोड़ देते हैं ठीक है तो जैसे इंडियन नेशनल आर्मी छोड़ते हैं मोहन सिंह तो थोड़ा सा इंडियन आर्मी मतलब को मतलब को, कोई को, किसी एक लीडर की इस टाइम पर जरूरत थी तो राज बिहारी बोस जो है ये भी थोड़े टेंशन में थे कि अब इंडियन आर्मी का क्या बनेगा मतलब थोड़ा कोई किसी इंपॉर्टेंट लीडर की जरूरत है तो यहाँ पे एंट्री होती है सुभाष चंद्र बोस जी की ठीक है सुभाष चंद्र बोस जी की एंट्री होती है जापान में ठीक है हम यहाँ पे क्या ये इन जापान यहाँ पे तो नहीं आएगा मैं अभी बताती हूँ आपको देखो क्या हुआ था सुभाष चंद्र बोस जो हैं ये इंडिया से एस्केप हो जाते हैं इनको हाउस अरेस्ट किया होता है सुभाष चंद्र बोस जी को तो ये हाउस आप कह सकते हो कि यहाँ वहाँ से भाग जाते हैं ये ठीक है ये एस्केप्ड फ्रॉम इंडिया और कब एस्केप होते हैं जनवरी 1941 की बात है ठीक है तो जनवरी 1941 में सुभाष चंद्र बोस जी जो है ही एस्केप्ड फ्रॉम इंडिया और पहुंचते हैं बर्लिन ठीक है कहां पहुंचते हैं बर्लिन फिर 43 में बर्लिन पहुंचते सबसे पहले 41 में निकलते ही ये कहां जाते हैं सबसे पहले जाते हैं बर्लिन फिर आते हैं ये सिंगापुर तो ये इन जापान तो नहीं आएगा यहाँ पे ठीक है सिंगापुर आते हैं ये ठीक है सिंगापुर आते हैं 43 में और इंडियर आर्मी को रिवाइव करते हैं इंडियर आर्मी की आप कह सकते हो एक टाइप की एक रिवाइवल हो जाती है जब सुभाष चंद्र बोस जी की एंट्री होती है फोर्टी में तो सिंगापुर में ये इंडियन आर्मी को संभालते हैं ठीक है आप कह सकते हो कि उसके कमांडर बन जाते हैं ठीक है तो रास बिहारी बोस जो है वो क्या करते हैं उन्होंने वो रास बिहारी बोस ने क्या किया ही हैंडेड ओवर लीडरशिप टू बोस नाउ ठीक है उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस जी को क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थी सुभाष चंद्र बोस जी इस टाइम तक तो इनको जो है पूरा जो है आई का, का काम जो है वो रास बिहारी बोस जी इनको सौंप देते हैं ठीक है दो हेडक्वार्टर्स थे आईएनए के एक थे सिंगापुर में और दूसरे थे रंगून में ओके एंड ही पॉपुलराइज सुभाष चंद्र बोस जी के लीडरशिप में जो है आईएनए को पॉपुलराइज़ किया गया एज आज़ाद हिंद फौज ठीक है आज़ाद हिंद फौज बोलिए या इंटरनेशनल आर्मी बोलिए ठीक है एक ही बात है बोस ने क्या किया इन्होंने भी जो है एक वॉर क्राई दिया दिल्ली चलो ठीक है तो इन्होंने भी एक वॉर क्राई दिया दिल्ली चलो ओके okay? तो ये जो है ये ये इन, इन्होंने वॉर क्राई क्यों दिया दिल्ली चलो बेसिकली सुभाष चंद्र बोस जो है इन जैपनीज की हेल्प से प्लस जो ये आर्मी रेस की थी इंडियन नेशनल आर्मी इनकी हेल्प से इंडिया को जो है वो इंडिपेंडेंस uh, दिलवाना चाहते थे ब्रिटिशर्स से तो वो चाहते थे कि क्योंकि देखिए जापान जो है वो ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर टू में इन्वॉल्व था जापान वाज ऑलरेडी फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिश है ना वो ब्रिटिश uh, जो पावर्स हैं ठीक है उनके अगेंस्ट ऑलरेडी जो ब्रिटिश है पोलैंड है यूएसए है यूएसएसआर है इनके अगेंस्ट थे ना जर्मनी इटली और जापान ठीक है जर्मनी इटली और जापान एक साइड पे थे वर्ल्ड वॉर में और पोलैंड हो गया यूके ब्रिटेन यूएसएसआर यूएसए ये सारी अलग ये सारी एक साइड पे थी कंट्रीज ठीक है तो सुभाष चंद्र बोस जी ज्वाइंट हैंड्स विद जैपनीज फोर्सेस और यहाँ पे इनकी मदद से इन्होंने सिंगापुर में ज्वाइन किया इंडियन नेशनल आर्मी को जिनको उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का नाम दिया और फिर जो है ये दिल्ली चलो का नारा लगाते हैं कि भाई हम दिल्ली चल के जो है सरकार ब्रिटिश सरकार जो है हटा देंगे ओके नाउ दिस दिसन अब देखिए आईएनए की जो है तीन फाइटिंग ब्रिगेड्स थी ओके जिनका नाम उन्होंने रखा गांधी आज़ाद नेहरू के नाम से ओके और एक थी रानी झांसी ठीक है एक थी रानी झांसी ब्रिगेड जो कि किसके के लिए थी एक्सक्लूसिवली वमेन के लिए थी और ये जो विमेन रेजिमेंट जो थी रानी झांसी जो विमेन जो बेसिकली ये जो ब्रिगेड थी ठीक है इसका इसकी विमेन रेजिमेंट की जो हेड थी वो कौन थी दैट लेड बाई कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन ठीक है तो कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन जो है ये हेड कर रही थी रानी झांसी ब्रिगेड को ओके तो आप देख सकते हैं ये जो तीन ये फाइटिंग ब्रिगेड्स हैं इनके नाम याद रखिएगा गांधी आजाद नेहरू और रानी झांसी जो है वो ब्रिगेड रखी थी इन्होंने विमेन रेजिमेंट के लिए और विमेन रेजिमेंट की जो हेड कर रही थी हर नेम वॉज कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन ओके ये आप पिक्चर भी देख सकते हैं तो ये सुभाष चंद्र बोस जो हैं ये विमेन रेजिमेंट जो थी झांसी ब्रिगेड जो थी ठीक है रानी झांसी ब्रिगेड जो थी इसको आप देख सकते हैं यहां पे ये लीड करते हुए ओके एंड शी इज लक्ष्मी स्वामीनाथन जो कि लीड करती थी मेन रेजिमेंट uh, को ओके okay? ये इनको लीड करती थी ठीक है ओके okay. अब ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें देखिए क्वेश्चन आता है कि हु फाउंडेड इंडिया नेशनल आर्मी तो अगर आपको फाउंडेशन का क्वेश्चन आता है हु फाउंडेड इंडिया नेशनल आर्मी या हु कंसीव दईडिया ऑफ फर्स्ट टाइम जो आइडिया है वो किसने कंसीव किया था इंडिया नेशनल आर्मी का तो उसका आंसर या तो रास बिहारी बोस रहेगा या तो मोहन सिंह जी रहेगा ये दोनों ही जो है ये इन्होंने आइडिया जो है कंसीव जो किया था या सबसे पहले जो इंडिया नेशनल आर्मी किसने बनाई थी वो रास बिहारी बोस जी एंड मोहन सिंह जी इन दोनों ने ही बनाई थी ओके तो इन दोनों में से या तो दोनों का नाम होगा या तो ऑप्शंस में से किसी एक का नाम होगा या तो दोनों का नाम होगा तो बोथ आर करेक्ट या फिर ओनली वन जिनमें जो भी राज बिहारी बोस या मोहन सिंह जी होंगे वो है फिर 1943 में जो है सो वो सुभाष चंद्र बोस जी की जो एंट्री होती है आईएनए में दैट वाज इन 1943 ओके दैट वाज इन 1943 ठीक है इन सिंगापुर याद रखिएगा ओके okay? ना नेक्स्ट वी हैव देखिए आई एन ए के ना कुछ ट्रायल्स भी हुए थे ठीक है आई एन ए के ट्रायल्स भी हुए थे अब ये आई एन ए ट्रायल्स क्या हैं बेसिकली वॉट इज दिस आई एन ए ट्रायल नाउ इन नाइनटीन फोर्टी फाइव से फोर्टी सिक्स तो बेसिकली क्या हुआ था कि जो ये आई आज़ाद हिंद फौज की या आई एन ए की जो आर्मी है ना ये इंडियन टेरिटरी में इंडियन टेरिटरी तक आ गई थी बर्मा को इन्होंने जीत लिया था जैपानीज फोर्सेस ने बर्मा को जीत लिया था जैपानीज फोर्सेस ने और आई एन जो की जो आर्मी थी उन्होंने बर्मा को जीत लिया उसके बाद ये पहुंचते हैं इंडियन टेरिटरी के बॉर्डर पे ये पहुंचते हैं जैसे नागालैंड मणिपुर के बॉर्डर पर ये पहुंचते हैं ठीक है नागालैंड और मणिपुर के बॉर्डर पर जब ये पहुंचते हैं तो यहाँ पे अब देखिए उस टाइम पे फोर्टी की बात है नाइनटीन की बात है वर्ल्ड वार टू जो है वो ऑलमोस्ट एंड पे था ठीक है जापान जो है वो all, पहले तो जापान बहुत पावरफुल था उस टाइम पे मतलब इट वाज वेरी वेरी पावरफुल वर्ल्ड वार टू की अगर हम बात करें तो ठीक है जब वर्ल्ड वार टू स्टार्ट हुआ था तो जापान वाज मोस्ट पावरफुल आई वुड से बहुत ज़्यादा पावरफुल उभर रहा था लेकिन फोर्टी तक आते आते देखा हमने कि जब इन पे न्यूक्लियर अटैक होता है जापान पे या जो भी होता है ठीक है तो उसके बाद क्या है कि जापान जब वर्ल्ड वार टू जो है एंड होने लगता है तो ये आ, 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 मतलब ये जो जापान इटली जर्मनी ये तो हार गए थे ना वर्ल्ड वार टू में तो जापान की जो हालत है वो इस टाइम तक खराब हो चुकी होती है नाइनटीन तक फिर जापान ने भी इंडियन नेशनल आर्मी को सपोर्ट करना या मतलब जैसे आर्म्स और एम्यूनिशन प्रोवाइड करना या फूड खाना वगैरह प्रोवाइड करना वो सब मतलब अब रिस्ट्रेन कर रही थी जापान के पास रिसोर्स नहीं थे तो जापान ने अपने रिसोर्सेज आप कह सकते हो कि आई को देना थोड़े बंद कर दिए तो इस वजह से भी आई का जो है डाउनफॉल आप कह सकते हो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है तो जब आई एन ए की जो आर्मी जो है वो अटैक करती है इंडियन टेरिटरी uh, में जैसे नागालैंड और मणिपुर में टू लिबरेट इंडिया बेसिकली फ्रॉम ब्रिटिश है ना तो जब यहाँ पे ये यह अटैक करती है तो ब्रिटिश फोर्सेस यहाँ जीत जाती हैं तो ऑब्वियसली देर वॉज अ कॉन्फेंट्रेशन देर वॉज अ बैटल इन देर वॉज अ बैटल ठीक है बैटल्स होती हैं काफ़ी सारी uh, मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में यहाँ पे नागालैंड और मणिपुर में तो जो इन बैटल्स में जो है ब्रिटिश Uh, जो है हरा देती है आई एन ए कोर जैपनीज फोर्सेज को ठीक है बेसिकली हरा देती है ओके okay? तो अब जब हरा देती है तो जो आई एन ए जो uh, मतलब आई एन ए के जो ऑफिशल्स uh, थे या जो लीडर्स थे वो ऑब्वियसली काफ़ी सारे सोल्जर्स थे और काफी सारे ऑफिसर जो थे आई एन ए के वो ब्रिटिश जो है कैप्चर कर लेती है ना ब्रिटिश अब उनको प्रिजनर ऑफ द वॉर बना लेती है ठीक है तो जब वो ब्रिटिशर्स के प्रिजन ऑफ द वॉर बन जाते हैं ब्रिटिश उनको कैप्चर कर लेती है तो ब्रिटिश फिर उनके खिलाफ ट्रायल्स चलाती है 1945 से नाइनटीन फोर्टी तक ये जो है आई ट्रायल्स चलते हैं ठीक है ठीके? तो बेसिकली जो आई के सोल्जर्स जो हैं वो पकड़ लेती है ना गवर्नमेंट ठीक है ब्रिटिश गवर्नमेंट और उनके खिलाफ ही ट्रायल्स चलाती है ओके और ये ट्रायल्स कहाँ होते हैं ये होते हैं रेड फोर्ट डेली में अब ये जो आई ट्रायल्स जो थे इसमें ये क्या है ये मैंने लिखा हुआ है आईएनए लीडर्स या आप कह सकते हो आईएनए ऑफिसर्स जो थे ठीक है जो कि कैप्चर किए थे जो ब्रिटिशर्स ने उनको देवर पुट ऑन ट्रायल्स एंड देवर एक्चुअली ट्रीटेड वेरी बैडली बहुत ह्यूमिलेट किया गया इनको बहुत हरास किया गया ब्रिटिश आर्मी के द्वारा ठीक है तो अब क्या हुआ यहाँ पे क्या होता है जो कांग्रेस है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी और जो यहाँ इंडियन Indian, जो इंडियंस थे इंटरनेशनल कांग्रेस थी और इंडियंस थे इन्होंने क्या किया थ्रू आउट कंट्री जो है प्रोटेस्ट किए इनके डिफेंस में ऑब्वियसली जो देखो जो आईएनए के जो ऑफिसर्स थे वो इंडिया को ही लिबरेट ब्रिटिशर्स से लिबरेट कराने के लिए ही आईएनए बनी थी आईएनए वाज वेरी पॉपुलर सुभाष चंद्र बोस जी के लीडरशिप में तो इंडियंस के तो ऑलरेडी फैन थे ही सुभाष चंद्र बोस जी के ठीक है तो इंडियंस थे और आई जो थी इंडियन कांग्रेस जो, जो थी वो सब क्या उन सब ने क्या किया इन सोल्जर्स के इन लीडर्स uh, के जो आईएनए के जो ऑफिसर्स uh, थे इनके सपोर्ट में जो है इनके डिफेंस में जो है उतरे ठीक है इनफैक्ट मुस्लिम लीग ने भी इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया ठीक है तो काफी जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं जैसे जवाहरलाल नेहरू हैं भूला भाई देसाई हैं कैलाश नाथ आसफ अली तेज बहादुर सप्रू जैसे लोगों ने इनके इनके लीडर्स ने बड़े लीडर्स ने इनके लिए केस लड़े ठीक है इन सोल्जर्स के लिए केस लड़े ओके अभी जो आई एन एफिसर्स जो ट्रायल के लिए जो रखे जो थे वो कौन से थे देखो वैसे तो और भी बड़े सारे सोल्जर्स थे बट तो जो मेन नाम है जो आई एन एफिसर्स का वो तीन नाम है जो आपने याद रखते हैं वन इज कर्नल प्रेम सहगल अनदर इज मेजर जनरल शाह नवाज़ खान ठीक है और कर्नल गुरबख्श सिंह ठीक है जो ये आ, मेजर जनरल शाह नवाज खान है ना ये आईएनए बटालियन के कमांडर भी थे जो इंडो बर्मा फ्रंट थे मैंने आपको कहा कि बर्मा में जो है बर्मा में भी आ, ये पहुंच चुके थे ठीक है तो मैंने आपको बताया तो यहाँ पे जो इंडो बर्मा फ्रंट में जो ये बटालियन पहुंची थी वहां उसके कमांडर जो थे दैट वाज मेजर जनरल शाहनवाज खान ठीक है तो कर्नल प्रेम सहगल याद रखना है आपने मेजर शाहनवाज खान याद रखना है और क्या याद रखना है कर्नल गुरबख्श सिंह ठीक है तो ये हैं ये इनकी पिक्चर्स भी हैं ओके ये जो हैं ये कैप्टन शाहनवाज हैं ठीक है ये, है, ये जो हैं दिस इज ओके okay, ये जो है ये ढिल्लन है ठीक है और ये जो है सहगल है ओके okay? याद रखना आप तो ये इनके नाम हैं ओके मेजर जनरल शाह नवाज हैं प्रेम सहगल हैं ओके एंड गुरबख्श सिंह हैं ओके ऑल नेक्स्ट इज ठीक है, okay? है okay? right. is, ये गुरबख्श सिंह जो है बेसिकली ये गुरबख्श सिंह ढिल्लन ठीक है ये हैं पूरे ठीक है और ये है सहगल ओके ऑल नेक्स्ट इज राजा गोपालचारी फॉर्मूला 1944 तो ये है देखिए अब इनका क्या हुआ था बेसिकली मैं आपको बता देती हूं कि इनको जो है ट्रायल्स के लिए पुट आ, मतलब रखा गया था तो हो सकता है इनको ये मतलब आप कह सकते हो कि आ, हो सकता है इनको फांसी फांसी की सजा भी डिक्लेयर कर दी जाती है लेकिन लोगों के प्रेशर में आके इंडियन नेशनल कांग्रेस के, के लीडर्स के प्रेशर में आके मुस्लिम लीग के प्रेशर में आके फिर इनको क्या किया गया था इनको मतलब फांसी की सजा नहीं दी गई थी इनकी सजा को कम्यूट कर दिया गया था ठीक है फांसी की सजा जो है वो नहीं हुई थी इनको ओके नेक्स्ट वी हैव गोपाल राजा गोपालचारी फार्मूला ऑफ नाइनटीन

जो कि ब्रिटिशर्स क्विट इंडिया मूवमेंट के जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके खिलाफ जो ब्रिटिशर्स का बिहेवियर था उसको लेके 1943 में आ, ये जो वायलेंस हो रही थी उसके लिए आ, गांधी जी ने फास्ट रखा था जेल में ठीक है फोर्टी थ्री में ये सब हो रहा था ओके देन राजा गोपालचारी चारी फॉर्मला केम इन नाइनटीन क्योंकि ही वॉज दी ओनली लीडर हु वॉज आउटसाइड दी जेल राजा गोपालचारी तो अब क्या हुआ था इस टाइम पे क्योंकि पार्टीशन की बात चल रही थी ठीक है मुस्लिम लीग वॉज डिमांडिंग सेपरेट नेशन फॉर इंडियन मुस्लिम्स ठीक है तो ये पार्टीशन की बात चल रही थी तो उनको सेटिस्फाई करने के लिए राजा गोपालचारी ने फॉर्मूला दिया 1944 में जिसको अग्री किया गांधी जी ने ठीक है तो इस फॉर्मूला में क्या था इस फॉर्मूला में बेसिकली क्या था कि व्हाट हैपन इन दिस फॉर्मूला कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में आप कह सकते हो कि एक व्हाट वी वी से एक आ, एक कॉन्सेंट जो है वो बिठाई जाए ठीक है तो ये कहा राजा गोपालचारी जी ने इसमें क्या हुआ था बेसिकली गोपालचारी के फॉर्मूला में क्या था बेसिकली राजा गोपालचारी जी का एक प्लान था तो इस प्लान में क्या कहा उन्होंने 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 इस प्लान को ये कहा ये देखो एक मिनट ये आप पिक्चर देख लीजिए ठीक है राजा गोपालचारी जी के फॉर्मूला की ये फोर्टी फोर में ये जो है फॉर्मूला प्रेजेंट किया गया और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो एक पॉलिटिकल डेडलॉक क्रिएट हो गया था बिटवीन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस तो ये जो मुस्लिम लीग में और आईएनसी में इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो डेडलॉक था पॉलिटिकल डेडलॉक था उसको तोड़ने की कोशिश की राजा गोपाल जी ने इन्होंने क्या कहा कि जो आप कह सकते हो कि जो ये वॉर है ठीक है उन्होंने कहा कि जब ये वॉर जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है ये जब खत्म हो जाएगी उसके बाद का इन्होंने प्लान किया कि उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक प्लेबिसाइड कराएंगे ठीक है क्या करेंगे एक प्लेबिसाइड प्लेबिसाइड का मतलब है एक ओपन वोटिंग कराएंगे लोगों की ठीक है लोगों का मत लोगों की इच्छा खुद से लोग क्या चाहते हैं वो प्लेबिसाइड कराएंगे ठीक है लोगों की वोटिंग करवाएंगे लोग खुद बताएंगे जो मेजॉरिटी मुस्लिम एरिया की जो जगहें हैं जैसे कि नॉर्थ वेस्ट हो गया ठीक है नॉर्थ वेस्ट हो गया या नॉर्थ ईस्ट हो गया नॉर्थ वेस्ट मतलब जो प्रेजेंट डे जो पाकिस्तान है वो वाला जो एरिया है ठीक है या फिर प्रेजेंट डे जो बांग्लादेश है यानी नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज़ जो थे वहाँ प्लेबिसाइड करवाया जाएगा लेकिन प्लेबिसाइड करवाया जाएगा सभी लोगों में अब ऐसा नहीं है कि वहाँ सिर्फ मुस्लिम्स ही वही वोट डालेंगे वैसे तो मैक्सिमम पॉपुलेशन मुस्लिम्स की ही थी लेकिन अगर नॉन मुस्लिम्स जो हैं वो भी इसमें वोट डालेंगे और वो प्लेबिसाइड करेंगे अब बताएंगे कि उनको सेपरेट नेशन चाहिए या नहीं चाहिए ठीक है तो ऐसा कहा गया था इस राजा गोपालचारी फॉर्मुला में कि जो भी मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज है वहां पर एक ओपन प्लेबिसाइड करवाया जाएगा पूरे पॉपुलेशन का एंटायर पॉपुलेशन का एंड दे विल डिसाइड कि उनको क्या सेपरेट स्टेट चाहिए या नहीं चाहिए ठीक है तो इस चीज को हिंदू महासभा ने भी इसको कंडेम किया था क्योंकि वो तो मतलब सेपरेट नेशन की वैसे ही बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और मुस्लिम लीग ने भी इस प्लान को ऑब्जेक्ट किया इस प्लान को सही नहीं माना जिन्होंने भी इस प्लान के लिए ऑब्जेक्ट किया था ठीक है क्योंकि इस प्लान में एक एक चीज़ ये भी थी कि आ, अ, अगर ये पार्टीशन एक्सेप्ट हो जाती है तो जो डिफेंस कम्युनिकेशन और कमर्स है वो जॉइंटली ही देखा जाएगा मतलब जो आफ्टर इंडिपेंडेंस ये जो ये जो सेक्टर्स हैं जैसे डिफेंस कम्युनिकेशन और और कॉमर्स जो ट्रेड कॉमर्स डिफेंस कम्युनिकेशन ये सेक्टर जो है ये जॉइंटली देखे जाएंगे सेंटर सेंटर में जो पावर है वो जॉइंटली देखेगी ठीक है तो इस चीज़ पे ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट हुआ था तो ये था बेसिकली इसमें कि एंटायर पॉपुलेशन जो है और मुस्लिम uh, लीग ने इस प्लान को ये भी इसलिए भी एग्जेक्ट किया वो कहते हैं कि भाई हमें कोई सेंटर में डिफेंस कम, क, कमर्स या कम्युनिकेशन एक साथ नहीं हमें तो अलग ही स्टेट चाहिए और एंटायर पॉपुलेशन क्यों प्लेबिसाइड करेगी क्योंकि uh, प्लेबिसाइड सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन का होना चाहिए बेसिकली ठीक है तो ये था राजा गोपालचार्य फॉर्मूला ओके नेक्स्ट इज एंड द लास्ट विच यू आर थिंग विच यू आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज देसाई लियाकत प्लान उसके बाद आया देसाई लियाकत प्लान ऑफ 1945 जनवरी 1945 में एक और प्लान आया देसाई लियाकत प्लान जो भी फेल ही हो गया था ठीक है इसमें क्या हुआ था कि प्रपोजल जो है ये किसने ड्राफ्ट किया इट वॉज ड्राफ्टेड बाय भूला बाई देसाई जो कि कांग्रेस लीडर थे वो लियाकत अली जो कि लीडर थे मुस्लिम लीग के ठीक है इनके प्लान के अकॉर्डिंगली ये था कि एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी सेंटर में एक टेम्पररी गवर्नमेंट बनाई जाएगी ठीक है जिसमें कि इस गवर्नमेंट में क्या होगा कि मुस्लिम्स Uh, की भी रिप्रेजेंटेशन होगी और आईएनसी की इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी जिसमें ट्वेंटी परसेंट सीट जो है वो माइनॉरिटीज के लिए रिजर्व होंगी तो इस तरीके से गवर्नमेंट बनाई जाएगी इस प्लान को भी ये प्लान जो है ये भी फेल हो गया था इस प्लान को ना तो कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया ना तो मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया ठीक है तो दिस वॉज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल बाय कांग्रेस एज वेल एज मुस्लिम लीग ओके तो देसी लियाकत प्लान जो है 1945 में तो बेसिकली ये जो राजा गोपालचारी प्लान था या राजा गोपालचारी फॉर्मूला जो था और दिसाई लियाकत प्लान जो था 45 का राजा गोपालचारी फॉर्मूला फार्मूला इन नाइनटीन फोर्टी फोर एंड देसी लियाकत प्लान जो है दिसाई लियाकत प्लान जो है यह हुआ था फोर्टी में ये दोनों प्लान जो है ये बेसिकली Uh, आ, आप कह सकते हो कि सेपरेट uh, जो नेशन uh, जो uh, बनना था उसके लिए ये uh, मतलब ये प्लान्स फॉरवर्ड किए गए जो प्लान्स जो हैं सक्सेसफुल नहीं रहे ठीक है तो दिस वाज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर ओके तो देखिए आज के लेक्चर में हमने uh, जो डिस्कस किया है दैट इज द वेरी फर्स्ट विच इज रामगढ़ सेशन ऑफ 1940 जो कॉलोजी है ठीक है देन वी डिस्कस्ड

ठीक है uh, रास बिहारी बोस और मोहन सिंह जी ने आइडिया जो है आईएनए का जनरेट किया था देन सुभाष चंद्र बोस जी 1943 में जो है आईएनए को ज्वाइन करते हैं उसके बाद राजा गोपाल चार्य फॉर्मूला भी डिस्कस इन 1944 एंड लियाकत प्लान ऑफ 1945 ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन अभी एक जो लेक्चर है लास्ट लेक्चर जो है इसके बाद फोर्टी के बाद टू फोर्टी सेवन अभी लास्ट लेक्चर जो है आएगा इसका ठीक है विल डिस्कस कि इंडिपेंडेंस जो है फोर्टी सेवन तक जैसे हमें इंडिपेंडेंस मिलती है विल we'll, डिस्कस उसके बाद देखिए ये तो जो मेजर पोर्शन है ये कवर हो गया मॉडर्न uh, हिस्ट्री का 47 तक अभी बस एक लास्ट लेक्चर आएगा दिस इज द सेकंड लास्ट लेक्चर ठीक है उसके बाद आई विल ब्रिंग टू थ्री लेक्चर्स मोर जिसमें पहले तो रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म जो 1920s में आया था जिसमें हम भगत सिंह जी की बात करेंगे चंद्रशेखर आज़ाद जी की बात करेंगे ठीक है जो उन्होंने एसोसिएशंस uh, बनाए उसकी बात करेंगे तो एक जो है रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म पे आई ब्रिंग अ लेक्चर ऑन एंड वन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स जो कि 1858 के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुई एक लेक्चर उस पर आएगा और मोस्ट प्रोबेबली आई एल ब्रिंग अ लेक्चर ऑन इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हमारी हिस्ट्री की जो भी हैं उनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे जो भी चीज़ें इनकेस uh, कोई चीज़ रह गई होगी जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जब भी मैं पर्सनैलिटीज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री और जो भी नेशनल लीडर्स की जब हम पर्सनैलिटीज uh, डिस्कस करेंगे वो सब चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी ठीक है तो नेक्स्ट विल बी दी लास्ट लेक्चर जो हम कम्प्लीट मॉडर्न हिस्ट्री हमारी हो जाएगी ठीक है फोर्टी uh, सेवन तक उसके बाद जो है दो तीन लेक्चर्स में एक ओवरऑल ऐसे लेके आऊंगी जिसमें कोई पॉइंट जो रह गया होगा वो हम उसमें डिस्कस कर लेंगे ठीक है तो दिस इज ऑल अबाउट टू लेक्चर आई एल सी यू वेरी सोन विद द नेक्स्ट लेक्चर टिल देन टेक केयर ब बाय कीप स्टार्टिंग